हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मोनिका, आप देख रहे हैं राउत फैमिली व्लॉग्स। एंड आज का जो व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग टाइम से। एंड आज है जन्माष्टमी। सो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे तो किसने कल रख लिया था फर्स्ट वगैरह 18 को, कह रहे थे कल भी है और आज भी है। सो मैंने तो कल नहीं रखा, सो मैंने आज रखा हुआ है फर्स्ट, तो आज मैंने रखा हुआ है। मैं तो कहते कल रात से स्टार्ट है और आज पूरा दिन रहेगा ऐसे करके, बट किसी ने कल ही रख दिया। मैंने स्टेटस वगैरह देखी तो ज़्यादातर सब ने कल ही रखा हुआ है फर्स्ट। और लास्ट वाले ब्लॉग में आपने देखा है उसका कि चले गया है घर से। सो अभी क्या है, मतलब 3 बजे के टाइम पे मॉर्निंग में। और क्या अबू हाथ धोने आपको? ठीक है, मैं अभी थोड़ी सी बात कर लूँ। ठीक, ये अभी मतलब अभी तो ट्रेन में ही हैं, काफ़ी लंबा ट्रैवल है तो रात को पहुंचेंगी काफ़ी लेट, 11-12 बजे तक इन्होंने पहुंचना है वहाँ। तो मतलब इतने टाइम तक ट्रेन में रहना तो हालत वैसे ख़राब सी हो जाती है। तो काफ़ी लंबा ट्रैवल है इनका भी आज, तो मतलब काफ़ी लेट ही पहुंचने वाले हैं। वैसे तो है फ्रेंड के साथ, इतना मतलब नहीं पता चलता टाइम का, बट फिर भी आओ इधर आओ, फिर भी हो ही जाता है। और अभी को तो अभी वो अभी इतना ज़्यादा मिस नहीं कर रही, सुबह उठ के ही मतलब मैंने वीडियो कॉल वगैरह करवाई, सो इतना ज़्यादा अभी नहीं कर रही उसको। ऐसा लग रहा है कि मतलब बाहर गए हैं जॉब पे जैसे जाती हैं, सो इतना तो वो कर लेती कि 8-9 घंटे कि हाँ मतलब जॉब पे गए हुए हैं, सो इतना अभी कर नहीं रही। बट जैसे कि आज देखेगी नहीं, रात भर भी नहीं देखेगी इनको, कल भी नहीं देखेगी, सो तब उसको ज़्यादा फील होगा कि पापा कहाँ हैं। हाँ, बट अभी उसको ऐसा लग रहा है कि जॉब पे गए मैं अपनी, तो अभी वो इतना वो नहीं करेगी, पापा पापा नहीं कर रही, बट 1-2 दिन में उसने करना है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड अभी अभी के लिए रोटियां बनाऊंगी, मेरा तो फास्ट है, सो अभी खाएगी। आप खाओगे रोटी? अब आप भी नहीं खाओगे? आपका भी फास्ट है? सो अभी के लिए मैं थोड़ी सी रोटियां बनाऊंगी, भी पूजा वगैरह करी है, सो सारी चीज़ें कर ली हैं, साफ सफाई वगैरह जो जो चीज़ें करनी थी सब कुछ हो गया है। और मैं सोच रही हूँ अभी को राधा बनाऊंगी, सो देखते हैं कैसे बनाते हैं। मतलब मैंने कपड़े वगैरह लिए नहीं है, राधा वाली जो फ्रॉक होती है ना, लहंगा वगैरह होता है वो तो लिया नहीं है कुछ, बट देखते हैं कुछ घर में जुगाड़ करके मैं देखती हूँ, अभी बना करने देगी तो हो जाएगा। सो देखते हैं, अभी मैं सोच तो रही हूँ राधा बनाऊँगी इसे, सो टाइम पास भी जाएगा थोड़ा सा और अच्छा भी लगेगा, नहीं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगला कल से। मतलब वही खाली खाली सा लग रहा है, अजीब सा ही लग रहा है। सो अभी देखते हैं एंड मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। मैं उठ चुकी है मैडम, तो अभी 2 बजे हैं और अभी ओके, तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा रेडी कर लेती हूँ। तो ये हमारा राधा रानी का जो श्रृंगार का सामान है वो ये है, कुछ पहले से था तो जो फर्स्ट टाइम अभी को हमने खाना बनाया था ना, तो कुछ चीज़ें उस टाइम की हैं, कुछ मैंने अभी ऐड करी है। सो ये है सारी चीज़ें, ये हम अभी तो पहनाते हैं और देखते हैं अभी क्या क्या पहनते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो पहनती है नहीं क्या। सबसे पहले मैं अभी का बनाऊंगी लहंगा, तो लहंगा बनाने के लिए मैंने एक तो ये वाला दुपट्टा लिया है, नॉर्मल सा है, हल्का सा है, तो इसका ऊपर का मैं दुपट्टा टाइप पर डालूंगी लहंगे के साथ छोटा है। और ये भी मेरी बड़ी वाली और ये मेरा बड़ा वाला दुपट्टा, तो इसका मैं लहंगा बनाने की सोच रही हूँ, तो देखते हैं कैसे हम इसका लहंगा बनाते हैं इसके लिए। चाय और मैडम ने बनाई है चाय, तो मैं चाय पी रही हूँ और अभी सो रही है इस टाइम पे, थोड़ा सा लेट सोई थी और अभी रात को सोई थी, सो अभी सो रही है। और जब तक उठती है मैंने आलू रखे हुए हैं, क्योंकि आलू का झोल बनाऊंगी मैं, सो आलू रखे हुए हैं मैंने उबालने के लिए, क्योंकि टाइम भी हो गया है 7:30 होने वाली है, 7:15 हो गया है, सो इतना टाइम हो गया है, तो मैंने सोचा साथ साथ खाना बनाने की भी तैयारी कर ही लेती हूँ। और पहले चाय पीती हूँ फिर उसके बाद खाना बनाऊँगी। और दिन में मैंने ट्राई किया था कि अभी को थोड़ा सा
ड्रेस वगैरह वो करते हैं उसको पहनाते हैं, बट उसने बहुत ही मुश्किल से वो मानी मतलब पहनने के लिए। थोड़ा बहुत उसने क्या ज़्यादा, मैंने कुछ शूट किया भी नहीं क्योंकि वो मतलब ऐसी किया जा रही थी, ज़्यादा मैंने कुछ शूट किया ही नहीं। वो कर रही थी कि मेरे को पहनना नहीं है, मेरे को नहीं पहनना, मैं थोड़ा सा उसको पहना रही थी, वो मतलब वो कर देती थी, निकाल देती थी उसी टाइम। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है अभी के साथ उसको कुछ रेडी करना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल है उसको, बस सिंपल रहना पसंद है। अगर एक्स्ट्रा मैं उसको पहनाती हूँ तो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो बड़ी मुश्किल से उसको मनाया कि आइसक्रीम लेके आ रहे हैं। बहुत मतलब मिन्नतें करी मैंने, तब जाके अभी ने थोड़ा बहुत पहना और बस ऐसे हो गया। थोड़ा बहुत मैंने अभी की पिक्स वगैरह ली हैं, थोड़ी सी रील्स भी नहीं बनानी थी उसने प्रॉपर, मतलब कुछ करने ही नहीं दिया। जैसे होते ना थोड़ा सा कुछ टाइम के लिए पहन कर रखो तो अच्छा भी लगता है थोड़ा सा, बट उसने पहने ही नहीं। बहुत ही मुश्किल से मतलब 10 से 15 मिनट तक उसने पहना होगा, उसके बाद उसने कहा कि नहीं मेरे को तो ये नहीं पहनना, उसको सिंपल रहना ज़्यादा पसंद है, तो उसको मतलब अच्छा ही नहीं लगता। कुछ बच्चे होते हैं कितने अच्छे से रेडी हो जाते हैं। जब इससे पहले जो जन्माष्टमी गई उसमें मैंने अभी को खाना का गेटअप दिया था, खाना की ड्रेस वगैरह पहनाई थी, तो उस टाइम पर भी अभी ने ऐसे किया था, रोने लगी थी कि मेरे को नहीं पहनना, मेरे को नहीं पहनना। अभी भी ऐसे किया उसने, बट फिर भी थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ वगैरह रील्स वगैरह मैंने बनाई हैं। रील्स तो खैर ज़्यादा नहीं बनी, बट हाँ फ़ोटोज़ वगैरह अच्छी अच्छी क्लिक करी है मैंने, वो आपको देखने को मिलेगी अभी की इंस्टाग्राम आईडी में, सो आप जाके वहाँ एक बार चेक कर सकते हैं, आईडी मेंशन हो रही है आपको, तो ये है अभी की इंस्टाग्राम आईडी, तो आप अभी को मतलब एक बार चेक कर लें एंड फॉलो कर लें अभी को, क्योंकि अभी की जो फ़ोटोज़ वगैरह होती हैं वो फ़ोटोज़ वगैरह जो मैंने क्लिक करी हैं वो भी आपको वहीं देखने को मिलेंगी, और रील्स वगैरह फ़ोटोज़ वगैरह अभी से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी आपको वहीं देखने को मिलेंगी। सो उसके लिए आपको अभी को फॉलो करना पड़ेगा, तो एक बार जाइए और जल्दी से अभी को फॉलो कर लिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और अभी मैं चाय पी लेती हूँ, और इन्होंने मेरे को रास्ते से एक वीडियो शेयर की है जो कि मेरे को बड़ी पसंद आई है, ग्वालियर साइड का ही कहते थे कि ग्वालियर साइड की है वो, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब तक मैं चाय पीती हूँ तब तक आप वो वाली वीडियो देख लीजिए। तो देखिए आपने वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बड़ा ही अच्छा सीन लगा। ये और भी थी एक दो बट उतना मैंने ऐड किया नहीं। सो अभी चाय तो पी ली है और मैं तैयारी कर रही हूँ डिनर की। सो अभी जैसे कि मैंने बोला हुआ है कि मैं बना रही हूँ आलू का झोल, मतलब जो आलू होते हैं करी वाले जो आलू होते हैं, सो वो बन रहे हैं। सो आज जैसे कि फास्ट है जन्माष्टमी का, सो प्याज लहसुन तो खाते नहीं है फास्ट में, सो मैंने सिर्फ टमाटर का पेस्ट इसमें किया है। मैं तो कई हरी मिर्च वगैरह ऐड करते हैं, बट मैंने सिर्फ टमाटर का पेस्ट इसमें ऐड किया है। और अभी इसमें मसाले मैं ऐड कर रही हूँ, बेसिक से मसाले हैं तो वो मैं सारे इसमें ऐड कर रही हूँ। और मतलब सब्जी तो बनी रही है, साथ पे मैं बना रही हूँ सेवैयाँ। वैसे मैंने सोचा था खीर बनाऊँगी, बट खीर को बनाने में टाइम लग जाता है और आज वैसे मुझे लेट हो गया था किचन में, सो इससे पहले मैंने पूजा भी कर ली थी। मैंने सोचा फिर किचन में लेट हो जाता है, सो मैं पूजा भी पहले कर ली थी, मतलब किचन में आने से पहले ही मैंने पूजा वगैरह कर ली थी, ताकि मैं को ये ना रहे कि अभी पूजा भी करनी है मेरे को। और अभी इसको थोड़ा सा और पकाऊंगी। एंड अभी मैं इसमें जैसे सेवैयाँ अच्छे से पक गई थी ना, तो मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लिए थे, सो ये सेवैयाँ तो बिल्कुल रेडी हो गई है। और इधर आलू का झोल जो है वो भी बन के रेडी हो गया है, सो बस रह गई है पूरियाँ। तो डिनर प्रॉपर बन चुका है, सो ये है आलू वाली करी और सेवैयाँ। सो अभी मैं थाली लगा रही हूँ और साथ में है पूरियाँ जो कि मैंने बताई दी हैं। और थोड़ा सा लिया है मैंने सैलड, तो मैं तो मेरे को प्याज के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जैसे फास्ट है तो प्याज वगैरह नहीं खाना है, तो मैंने सिर्फ खीरा ले लिया है। सो ये है आज की हमारी व्रत की थाली। तो ये हमारा आज का जन्माष्टमी व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। और अभी को आ रही है शायद नींद, सो मैं इस व्लॉग का ही पैन कर देती हूँ। अगर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एक लाइक कर देगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो,
मिलूंगी आपसे एक और नए व्लॉग के साथ।